हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वाइफ की फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी भी ग्रॉसरी निकालूंगी, क्योंकि चलो आपके साथ ही ग्रॉसरी निकालती हूँ। अभी मैं काम करके सब फ्री हुई हूँ, बाकी सब लोग वहाँ बैठ के लिविंग रूम में जो है हमारा, वहाँ बैठ के जो है वो लोग मैं जो है सामान निकाल लेती हूँ। और ये हस्बैंड और करा रहे हैं, अभी ये नहीं लिया था मैंने, तो मुझे ये वाला चाहिए था। इस बार मैंने लक्ष्मी बुला दिया, ये लेकर आई हूँ कि ये खाएंगे आजकल। अब मैं तो पैसे भी नहीं करके आता, लेकिन मैं सोचा कि जब भूख लगे तो इसको खा लेना चाहिए, बेस्ट रहता है। और ये गाय है काफ़ी, तो काली मिर्च ज़्यादा हो रहा है, अंडे वगैरह खाए जा रहे हैं। जीरे का भी मैं काफ़ी बड़ा सा ले आई हूँ। चोर आ गए, चोर आ गए, घर में पकड़ो 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 पकड़ो। ये बताना, ये फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे बताइएगा अगर कोई यूज़ करता हो तो। मैं विम यूज़ करती हूँ, वैसे मूँगफली, मूँगफली इसके साथ में घूमती है। अभी कितना निकल रहा है ताला, ये मूँगफली लेकर आती हूँ। और हाँ, ये लेकर आई हूँ मैं जोहान के लिए, और जोहान को भी मैंने दिखाया नहीं है। जोहान का एक्साइटमेंट देखेंगे जब इसको देंगे। तो साथ ही ये घी लिया था मैंने, डालडा पालडा जो है। शुगर, कितनी शुगर खाते हैं हम लोग, देखो। दे हलवे, दे हलवे, दे मुजाफिर, दे कुछ, दे 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 दे, व्हाट इज दे, दे मतलब कोई चीज़ होती है ना, क्या होती है पता नहीं। कुछ चीज़ अगेन शुगर। इस बार जो थे ना पैकेट बड़े वाले नहीं थे, सब छोटे छोटे पैकेट थे, दो दो किलो के अंदर सब पैकिंग करवानी पड़ी है यार। अभी भी सही नहीं है ये ऑयल, सारा ऑयल जितना भी था स्टॉक में, ऑयल शुगर सब खत्म हो चुकी है। जान, मेरी क्या हो गया? किसको चाहिए? कौन ले? हाँ सही है, ऑयल भी ज्यादा आया है, सामान दाले वगैरह रख दी तो ज्यादा कुछ जायरा सब रख लिया है मैंने सामान तो। और ये लिया है मैंने जायरा, क्या है कहे मेरी कजिन जो है शबनम, उनके रिकमेंडेशन पे मैं वैसे सब साबुन यूज़ करती हूँ। इस बार मैं इसको भी यूज़ करके रही हूँ। हस्बैंड आ गए, उनको खाना दे रही हूँ, और बिना ये लोग सेव जो होते हैं ना, सेव खा रहे जो भी बोलते हैं आप लोग, उसके बिना तो गुजारा नहीं है। खाना हमारा कंटिन्यू करता है। एक पैकेट ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ये दूसरा पैकेट में बड़ा वाला ये इसको निकाल रही हूँ देने के लिए। ये मुजाफिर देखिए, इसकी कंडीशन जो है उस टाइम पे तो देख लिया आपने ये सब सामान। अब मैं आपको इससे दिखा देती हूँ क्या लेकर आए हैं और कैसे रखना है मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे रखना भी है। और
मैं भी रख दूंगी उन सबको, कुछ चीज़ें जो मैं धो के रखूंगी ताकि क्लीन करके रखूंगी वो सही रहता है। तो मैं खुद खाती हूँ, ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं लाई हूँ, इसलिए ये कल अंडे आए थे ना तो उसमें से फूटे हुए निकल गए थे। फूटे हुए क्या, टूट जाते हैं आने में गाड़ी पे लेके जब आते हैं, तो ये इसका बोल रही हूँ मैं कि ये किसी ने यूज़ किया हो तो बताना कैसा रहता है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी इसका, मैंने साबुन यूज़ किया हुआ है। मैं फ़िलहाल विम लिक्विड जो होता है ना वो यूज़ कर रही हूँ, इसका नहीं पता मुझे कैसा होगा। साबुन तो ठीक ठाक था, और ये शुगर वुगर है, मैगी बटर वगैरह रख दिया मैंने, और जोहन के डायपर भी रख दिए, और क्या लेकर आए थे, और ये वाला घी मैंने लिया है इस बार। चलो मैंने वहाँ से नहीं लिया, मतलब ये अब भी लेकर आए हस्बैंड। चलो तो अब इसको भर देते हैं, रख देते हैं सामान को, है ना। और ये केक टिन या केक मोल्ड जो भी आप समझ लें इसको कह लें, तो एक ये लिया था मैंने, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, वहाँ पर थे लेकिन स्क्वायर में नहीं था, गोल थे, मतलब राउंड में थे और हार्ट शेप में थे, डिज़ाइन में थे कुछ, बट ऐसे नहीं थे। तो लूँगी मैं वहाँ से भी लूँगी वहाँ, लेकिन सस्ते थे। यहाँ पे जो है ना ये थोड़े मुझे महंगा मिला, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिला, 100 रुपीज़ का मिला वैसे तो तो ये मैंने ले लिया, मुझे केक बनाना है तो इंशाल्लाह केक बनाऊँगी जल्दी से। आप लोग 100K नहीं, फ़िलहाल तो 1K करवा दीजिए, तो इंशाल्लाह उस खुशी में बनाएंगे हम फिर केक और फिर रेसिपी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह 100K भी हो जाएंगे, आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकते, लोगों के हुए हैं तो मेरे भी हो जाएंगे। जहाँ चाहे वहाँ राह है, इंसान कोशिश करे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ठीक है, कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह से, अल्लाह चाह तो। मेहनत करना हमारा काम है, शौक़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़े कन्फ्यूज रहते हैं ना, रोज़ रोज़ क्या पकाएं यार, समझ में नहीं आता। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब रहती हूँ, मतलब मुझे दिन से ही फिक्र होने लगती है कि यार मुझे क्या पकाना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ये कि यार क्या बनाऊँ मैं। वैसे मैं जो भी अच्छी चीज़ होती है ना, वह मैं ना डिनर में बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझसे एक तो जो दिन में होता है ना लंच, जो लंच होता है ना वो नहीं खाते बनता, एक तो हस्बैंड नहीं खाते हैं लंच, उनका जो ब्रेकफास्ट होता है, और फिर शाम को जब वो जाते हैं उस टाइम उनकी एक मील हो जाती है, तो उनका लंच ऐसा कुछ होता नहीं है। और बच्चों का भी होता है, स्कूल से आने के बाद उनको कुछ डिसाइडेड नहीं होता, मतलब मूड स्विंग हो जाते हैं, जो बना हुआ होता है वो नहीं खाना होता है, तो ऐसा रहता है उन लोगों का भी। और शाम को स्नैक वगैरह कुछ लेते हैं, तो बड़ी मुझे दिक्कत होती है। तो मैं और ख़ुद मुझे भी डिनर में मतलब खाना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ हो ना तो मुझे डिनर में अच्छा लगता है, लंच मुझे भी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, बस खा लेते हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ, आई थिंक इसे अंडे की भुर्जी कहते हैं ना, हाँ अंडे की भुर्जी होती है। इसमें बहुत सारा मैंने प्याज डाला हुआ है, हरी मिर्च डाली हुई है, और टमाटर डाल दूंगी। और मैं इस तरह से बनाती हूँ, एक बार मुझसे कहा गया था कि इसकी भी रेसिपी आप शेयर करें, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मैंने बस थोड़ा सा ऑयल लिया, ढेर सारी सी प्याज डाली है इसमें, हरी मिर्च डाली है, अच्छी लगती है मुझे। और हस्बैंड को भी थोड़ा सा ये जो वाइट वाइट सा दिखता है ना वो अच्छा लगता है उनको, रेड वाला जो, इसे खाकिना भी कहते हैं। हमारी सास जो बनाती हैं वो बहुत बारीक सी प्याज काट के बनाती हैं, और खूब सारी प्याज टमाटर नहीं डालती हैं, और जो ब्राउन कर लेती हैं अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होती है ना प्याज, फिर उसमें अंडा डालती हैं। बट मुझे इस टाइप से अच्छा लगता है कि आप उसमें प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, और फिर हम ये डाल दें इसमें टमाटर हमारे, और फिर उसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ताकि वो सफ़ेद ही लगे और टेस्ट भी आ जाए। हरी मिर्च हमने बहुत सारी डाली हुई है इसमें, और नमक डाल देंगे, और बाद में फिर हम अंडा डाल देंगे इसमें, बस दैट्स इट। सिंपल सी रेसिपी, जब कोई समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें क्या बनाना है तो उस टाइम के लिए बेस्ट है। और अभी चल रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में तो ये जो होते हैं एग्स ऑमलेट ये सब तो अच्छे लगते हैं खा लेने में, कि चलो बना लो खा लो, लेकिन गर्मियों में थोड़े से मतलब अजीब से लगते हैं। और खैर मुझे तो कोई ज़्यादा मेरे ऑल टाइम फेवरेट नहीं है ये, बस मैं खा लेती हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है, तो बस उस टाइम पे ऐसे कुछ बन जाता है। तो बताइएगा, मुझे शेयर करिएगा कि कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह से करता है, और मेरी तरह बेचारा दुखी आ रहा परेशान है रोज़ रोज़ खाने पकाने के लिए। ये चीज़ हम मम्मी से बड़ी सुना करते थे, हमें बड़ी परेशान हुआ करती थी, अब आज क्या बनाया, बच्चे बड़े मतलब जहाँ 2-3 बच्चे होते हैं वो आपस में बोल देते हैं, अभी तो मेरे बच्चों ने शुरू किया है ये सब बोलना, तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब शुरू किया है धीरे धीरे, बट मैं खिलवाती हूँ डांट डपट करके कि नहीं खाओ। और साथ ही यहाँ बर्तन वगैरह हैं,
वो भी मैं इतनी देर में क्लीन कर रही थी कि जितनी देर में प्याज होगी रेडी होगा ये उतनी देर में बाकी की क्लीनिंग कर लें, उसके बाद फिर मैं रोटी डाल लूँगी गरम गरम से बढ़िया बच्चों को। मैं रोटी बना के रखती नहीं हूँ, मैं बच्चों को गरम गरम बना के देती जाती हूँ ताकि वो गर्मा गर्म रोटी जो है खा लें। ऐसे ही हमारी अम्मी क्या करती थी, तो हम क्या करते थे बड़े अच्छे से खा लेते, तो बड़ी ख़राब से आदत है आज भी पड़ी हुई है, तो इस वजह से मतलब खाना नहीं खाते बनता कई बार मुझसे। तो बस यही होता है कि अगर गरम गरम खाना मिल जाता है तो बहुत अच्छे से खा लिया जाता है, अदरवाइज़ तो जो भी खाना होता है ना वो मतलब नीचे नहीं उतरता अलग से कि यार ठंडा है, मुझे पता नहीं क्यों गरम गरम रोटियाँ वो उसी वक्त जल्दी जल्दी बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है खाना। तो बस एक बात तो है कि जो मतलब खाना हमारे हाथ से हम बनाते हैं उससे हमारा पेट भरता है, लेकिन मज़ा तो माँ के अम्मी के हाथ के खाने में आता था। ये बात तो डेफिनेटली हकीकत है कि हम कितना ही अच्छा अच्छा बना लें बस हम पेट ही भर सकते हैं, मज़ा नहीं आ सकता उसमें, मज़ा उसी में आता है जो अम्मी के हाथ के होता है। तो जो जो अम्मी के हाथ का खाना खाते हो ना अच्छे से खाओ खुशी खुशी, ये मत बोला करो ये ऐसा है वह वैसा है। जिनको नहीं मिलता है वो लोग बेचारे परेशान होते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं खाते हैं, बड़ा बुरा बुरा सा लगता है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से यार कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना बताना मुझे, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे मज़ेदार सी अंडे की भुर्जी रेडी है और इसमें मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और बहुत मज़े की लगती है यार, मुझे तो बहुत पसंद आती है इस तरह से बनी हुई। इसमें भी हमारे घर में जो है हमारी सास को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है और बच्चों को भी थोड़े से नखरे रहते हैं क्योंकि इसके अंदर अंडा वंडा है, अंडे के साथ में प्याज डाल दी है और फिर उसमें टमाटर भी है, तो ये चीज़ें उन लोगों को थोड़ी सी परेशान करती हैं कि यार आपने वेजेस क्यों डालती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आता उनको इस तरह से कि ऐसे मत बनाया करो, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। और साथ ही जब से शादी हुई तब से हस्बैंड ने इतनी गलत आदत डाल दी, इतनी ख़राब आदत लत कहें एडिक्ट हो गई हूँ मैं और मेरे साथ साथ बच्चे भी हैं कि खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा होना ही होना है, मतलब अगर नहीं मिलेगा ना तो फ़ोन हो जाते हैं और बस क्रेविंग इतनी ज़बरदस्त सी होती है, इतनी ख़राब आदत ये पड़ गई है ना, पहले नहीं थी ऐसी कोई ख़ास कि चाहिए आपको खाना ही है, बट अब ऐसा है कि नहीं चाहिए अब तो, मतलब अगर नहीं होता है ना घर में मतलब गुड़ खाएंगे, कुछ नहीं अगर होगा ना कि गजक नहीं ये नहीं है तो गुड़ ही दे दो भाई। और इसीलिए ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो है कुछ ना कुछ मीठा बन के रखा ही रहता है क्योंकि हस्बैंड को खाने, एक तो सुन्नत से साबित भी है, खैर ये बात भी अच्छी है ये सुन्नत से साबित है, लेकिन मतलब पसंद अच्छा ये मेरे फेवरेट हैं, मुझे तिल्ली की चीज़ें सारी पसंद हैं और ये तिल्ली के लड्डू स्पेशली मेरे लिए आते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि देखिए लड्डू खा लीजिए आप लोग भी। और यार ग्रोसरी का मैं ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी दो तीन दिन से और वहाँ पे उनको फीवर जैसा आ रहा है और तबीयत थोड़ी सी उनकी गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा बस जल्दी से जो जो लेना है, तो मैंने बस जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ली, मुझे जो जो याद आया और जो नहीं आया वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, और फ़ोन भी आ रहे थे उनके जल्दी जाना था तो बस फटाफट से, और मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी, बस वहाँ से हम आते में ना वेज बिरयानी लेते हुए आए और फटाफट हमने घर आके वो खाई और उस सब चीज़ों का मैंने शूट नहीं किया। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं यार मिस हो जाती हैं मोबाइल में बैटरी वगैरह नहीं होती है तो यहाँ पे जो ग्रोसरी वगैरह आ जाती है सामान दालें वगैरह जो होती हैं तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि चेंज करके ही डालूँ, मतलब ऐसा ना हो कि डब्बे में मतलब भरे जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं, उसको धो के वॉश करके अच्छे से क्लीन करके डालें। तो मुझसे मेरी एक जो है व्यूअर सब्सक्राइबर मिसबा, उन्होंने पूछा था कि इसमें मतलब जो हमारे आटे में या चावल में लग जाते हैं कीड़े, तो देखिए चावल के लिए तो मैंने सजेशन आपको बता दिया था इंस्टा पेज पे, तो फिर भी बता देती हूँ यहाँ पर कि चावल में आप बोरिक पाउडर डाल सकते हैं, चावल दालों में जो कैरम खेलने का बोरिक पाउडर होता है किसी मेडिकल स्टोर पर आप देख लें वहाँ मिल जाएगा इजिली आपको, तो वो आप डाल दें और अच्छे से धो लें जब आप पकाएँ, तो जब भी आप पकाएँ उसको अच्छे से वॉश कर लें तो वो आप कर सकते हैं, बट आटे में नहीं कर सकते। आटा तो आप जितना यूज़ में हो उतना ही लें, अदरवाइज़ उसमें पुराने में नया मत डालें, बस यही एक सजेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं आटे के मामले में क्योंकि वो पिसा हुआ होता है, ना तो उसे वॉश कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम काम कर रहे होते हैं सारी चीज़ें तो कितना मतलब एक जब हम टायर्ड हो चुके होते हैं फुली तौर पे कि नहीं बस अब जल्दी से काम हम निपटा लें जाकर सुकून से बैठना, तब भी ये होता है कि ये खिलारा मैसीनेस जो भी है ना ये सब इतने खिलारा फिलारा क्या कहते हैं ऐसा कुछ वर्ड होता है ना, तो वो हो जाता है फैल जाता है पूरा ये सब, देखिए कितना मतलब अब मैं सर पकड़ ले मैं कि यार ये दालें एक एक दाल अब बीनो उठाओ, ये तो बड़ा हेडेक वाला काम है
कि जैसे तैसे किया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रॉली जो थी वो काफ़ी दिनों से मुझे यहाँ ऑयल रखती हूँ मैं, तो मुझे वहाँ का एरिया गंदा सा दिख रहा था और कुछ अंदर जंग भी सा आ गया था थोड़ी सी चीज़ों में, जबकि ये रस्ट फ्री हैं सारी चीज़ें, बट पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो मैं इसको जो मैंने तारपिन का ऑयल बताया था, तो जो कोई भी हो जिनके पास ऐसे ट्रॉली वगैरह का हो कुछ, तो वो अपने इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। आप पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसमें और जंग आ सकता है, क्योंकि ये नीचे है अंदर वॉल में दीवारों में पानी होता है, उसकी नमी की वजह से, बारिश भी बहुत हुई है तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, मोटिवेशनल लगा होगा, कुछ काम का पसंद आया होगा आपको। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी से आप केक बनाना है हमें, फटाफट से सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या किया आपने, ये काऊ बना दी, ये काऊ ऐसी होती है, आपने बनाई है, कैसे बनाई है, कैसे बनाइए, ऐसे बनाइए, लोएजा मारेगी आपको, नो नहीं मारती, मारेगी, आप भी मारेगी, मत करो बेटा, आप इसकी कॉपी है, टीचर चिल्लाएंगी, नो 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 नहीं करते। ओहो लगी तो नहीं, बंद करिए इसको, कैप रख दीजिए, नहीं नहीं, गंदी बात कहना मानते हैं, अच्छे बेटे हैं ना आप, तो गंदे बेटे नहीं, नो नो नो।